हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयजा क्रिएशन। और आज हम एक अम्ब्रेला कुर्ती बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कुर्ती बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। ये हमने 4 से 5 साल की बच्ची के लिए रेडी किया है, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ये स्कर्ट भी रेडी किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका घेर कितना बड़ा आया है। यहाँ पर हमने डबल अम्ब्रेला कट करके ये स्कर्ट बनाया है। इस स्कर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप उसे भी चेक करें। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे इस टॉप पर पफ स्लीव्स बनाई है। तो चलिए इस वीडियो को बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 2 पीस लिए हैं। इसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे 13 इंच ली है। इस तरह से ये फोल्डिंग में हाफ हाफ इंच जाएगा। इसके बाद इसकी जो विड्थ हमने ली है वो हमने 15 इंच ली है। आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डाल सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसे 4 फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। पहले आप इसे बराबर से सेट कर ले ताकि इसमें कोई सिलवट ना रहे। यहाँ पर ये 4 फोल्ड हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, वो हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे। साथ ही साथ आर्म होल भी हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, वो हम पूरी यहाँ पे लेंगे, मतलब 7.5 इंच लेंगे। और वेस्ट मार्क करने के लिए यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे, और जो वेस्ट है हमारी वो हमारी 6.5 इंच है। तो इस तरह हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, और इन सभी निशानों को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये निशान मिलने के बाद हमें क्या करना है कि आर्म होल को गोलाई देना है। तो थोड़ा सा राउंड शेप में आर्म होल को गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो नेक की विड्थ है वो हम यहाँ पे 1.75 इंच लेंगे। इस तरह से हमें मार्क करना है। इसके बाद जो डेप्थ है हमारी फ्रंट नेक की, वो हम 3 इंच लेंगे, और बैक नेक के लिए यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो नेक की जो शेप है हमारी, वो हमें राउंड शेप में देनी है, फ्रंट और बैक। तो इसलिए हम यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बैक नेक से कट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने बैक नेक से कट कर लिया है। इसके बाद ये जो जॉइंट वाले पार्ट है हम इसे भी अलग कर लेंगे, और ये जो हमारे बैक का पार्ट है इसे भी हम साइड में निकाल लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो फ्रंट की नेक है हमारी, उसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हम यहाँ पर लाइनिंग डालेंगे। तो ये मैंने एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है इस तरह से। इस पर हम बराबर से इसे बिछाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे इसे बिछाना है। फ्रंट और बैक दोनों के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे बिछा ले, और सेम इसी साइज़ का हमें लाइनिंग भी कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने ये सेम साइज़ की लाइनिंग भी कट कर ली है। अब हमें क्या करना है कि स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो जो हमारी फ्रंट का नेक है, यहाँ पर हम इस तरह से एक पार्ट सीधा और एक पार्ट उल्टा रखते हुए नेक पर सिलाई लगा लेंगे। और ये जो बैक का पार्ट है, हमें सिंपली अंदर की साइड में ये लाइनिंग को जॉइन कर लेना है, और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पर, इस पर सिलाई लगा ली है। बाद में हम चेन अटैच करेंगे यहाँ पर, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से चेन अटैच करना है नॉर्मल फुटर से। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना है कि छोटे छोटे कट लगाना है। इस तरह से कट लगाने से जो हम फोल्ड करते हैं, इसे फ्लिप करते हैं, वो ईजीली हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे इजीली टर्न कर लेंगे, और ये एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बराबर से पहले सेट कर लेंगे, और पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये चेन भी अटैच कर ली है। ये हमने जो नॉर्मल फुटर होता है उससे यहाँ पे ये चेन अटैच की है। आप एक बार ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर ये फ्रंट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पे इसके शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे।
इसके बाद हमें क्या करना है कि स्लीव्स रेडी करनी है। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए हमने ये एक फैब्रिक लिया है, ये हमारा फ़िलहाल में डबल में है, तो हमें इस तरह से फोर फोल्ड करना है और ये बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है और ये ओपन वाली साइड है। इसके बाद जो हमारे फैब्रिक की टोटल लेंथ है वो हमारी 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे कि जो हमारी स्लीव्स की लेंथ रहेंगी वो हमारी यहाँ पे 7 इंच रहेंगी, तो इसलिए हमने 7 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद इसकी जो विड्थ ली हमने वो 8 इंच ली है, पर हम स्लीव्स की जो विड्थ लेंगे वो हम 6.5 इंच लेंगे, आर्म होल प्लस 1.5 इंच हम इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हुए 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और डाउन हम यहाँ पे 2 इंच का देंगे। तो इस तरह से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और जिस तरह से हम स्लीव्स की शेप ड्रॉ करते हैं यहाँ पर भी उसी तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हम बॉटम क्या करेंगे कि 4 इंच का लेंगे और 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों निशानों को ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये नॉर्मली जिस तरह से हम स्लीव्स कट करते हैं वो हमने स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमारी स्लीव्स की पफ रहेंगी उसके लिए हम एक्स्ट्रा इस तरह से फैब्रिक लेंगे और यहाँ पे इसे इस शेप में हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा पीस है ये हमारा जो पफ की स्लीव्स रहेंगी उसमें जाएगा। अभी इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने ऊपर से इसे कट कर लिया है और ये हमारे दोनों भी पीस बराबर से निकल गए हैं। अभी हम सेंटर में इसके एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्ट में सेंटर में निशान लगाना है और अभी हमें क्या करना है कि प्लेट डालनी है। जो प्लेट की हमारी डायरेक्शन रहेंगी जहाँ पे हमने कट लगाया है उस डायरेक्शन में हमें 1-1 इंच की प्लेट डालनी है। आप देख सकते हो कि नॉर्मली हम जिस तरह से प्लेट डालते हैं हमें उसी तरह से प्लेट डालनी है, बस उसकी जो डायरेक्शन है जहाँ पे हमने सेंटर का कट लगाया है उस डायरेक्शन में हमें ये प्लेट चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो मार्क है उस मार्क तक आप पूरे में प्लेट डाल लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये पूरे में प्लेट डाल ली है। सेम हमें इस साइड में भी प्लेट डालनी है, तो इसका भी जो डायरेक्शन रहेंगी वो हमारी सेंटर की तरफ रहेंगी। बस यहाँ पे इसी बात का ख्याल देना है कि जो हमारे प्लेट की डायरेक्शन है वो हमारी सेंटर की तरफ है। तो इस तरह से हम इस साइड में भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये हमारी पफ स्लीव्स रेडी है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे पूरे में सिलाई लगानी है। सेम हम इस वाली स्लीव्स में भी छोटी छोटी प्लेट डालकर रेडी कर लेंगे। तो हमने ये दोनों साइड की स्लीव्स रेडी कर ली है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा पफ भी बना है। आप भी एक बार आपके बेबी के लिए इस तरह की स्लीव्स ज़रूर तैयार करें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से सेंटर मिलाते हुए हमें बराबर से पूरे में अटैच कर लेना है। सेम इस वाली साइड में भी हमें उसी तरह से अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम दोनों साइड में इस स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। हमने ये स्लीव्स को अटैच कर लिया है और सिलाई भी लगा ली है। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारी सिलाई होती है नॉर्मली जो फिटिंग वाली सिलाई होती है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह से बराबर से पकड़ते हुए दोनों साइड में हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसे रेडी कर लिया है और स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसके बॉटम के लिए अम्ब्रेला कट करना है। तो इसके लिए हमने ये एक फैब्रिक लिया है,
इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो हमने 29x29 की ली है। अभी हम इसे इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, इसके बाद सेंटर से पकड़ते हुए बराबर से एक और फोल्ड कर लेंगे। अभी जो हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक रहेगा उसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारी 14 इंच रहेगी, हाफ हाफ इंच हमारी नीचे और ऊपर सिलाई में जाएंगी। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में 14 इंच पे मार्क करना है। तो आप बराबर से इस तरह से पकड़ते हुए पूरे में 14 इंच पे मार्क कर ले, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये कट कर लिया है सर्कल। इसके बाद हमें इस टॉप को इस तरह से बराबर से फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे इस तरह से हमें रख देना है, और जितना भी निशान यहाँ पे आएगा उसे हमें मार्क कर लेना है। अभी हमें इसे मेजर करना है कि ये कितना है। तो ये 4 इंच है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे में गोलाई देते हुए 4-4 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरे में 4 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे मार्क कर लिया है, अभी हम इसे कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट भी कर लिया है, ये इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा अखंड अम्ब्रेला है, और साथ ही साथ हमने ये इसमें डालने के लिए लाइनिंग भी ली है जिसकी लेंथ हमने 11 इंच ली है। अगर आपके पास लाइनिंग कम हो तो आप क्या कर सकते हो कि जो हम कली डालते हैं ना उस तरह से यहाँ पे लाइनिंग डालेंगे। तो दोनों साइड में हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे इसे दोनों पॉइंटों को ज्वाइन भी कर लेंगे। इस तरह से इसे कट कर ले, और इसके बाद यहाँ पे इन दोनों पार्ट को हम ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसे इस तरह से सिलाई लगाते हुए ज्वाइन कर लेंगे, और इसका बॉटम भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर भी हमें इस तरह से सिंगल पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है, और साथ ही साथ हमने ये लाइनिंग इसमें डालने के लिए इसे भी रेडी कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसे बराबर से रखते हुए यहाँ पे इसे पिनअप कर लेंगे। तो हमें ये बराबर से पकड़ते हुए पूरे में हमें इसे पिनअप कर लेना है, ताकि जब हम सिलाई लगाए तो ये हमारी बराबर से सिलाई लग जाए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पूरी पिन लगा ली है, इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा टॉप का पार्ट है हमें इसे भी अटैच कर लेना है। तो हम इस तरह से यहाँ पे इसे पकड़ेंगे और यहाँ पे इसका एक कॉर्नर लेते हुए हमारे इस कॉर्नर से मिलाएंगे हम टॉप पार्ट के, और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। इस साइड में भी हम पिन लगा देंगे और यहाँ पे गोलाई में सिलाई भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमें गोलाई में सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद इसका जो फाइनल लुक आता है, मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनने के बाद ये हमारी कुर्ती कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको भी ये हमारा सिंपल सा मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। और इसी के साथ साथ हमने जो स्कर्ट रेडी की है उसके भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।